हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिका और सीडीएस जुड़े कर्मचारियों का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अजीबो गरीब वाले खबर वाले वीडियो पर स्वागत है। जी हां, आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो है वो जांच होती है, अधिकारी पदाधिकारी निरीक्षण करते हैं और निरीक्षण करने के बाद अगर गंभीर शिकायत बार बार मिलती है तो चयन मुक्त करने के लिए जो है वो लेटर डीपीओ ऑफिस को जिला में लिखा जाता है। इसी के संबंध में बिहार के सारण जिले के गड़खा परियोजना में एक मामला काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है और अजीबोगरीब मामला है कि एक सेविका जो 3 साल पहले जो है जिनकी मृत्यु रोड एक्सीडेंट में हो चुकी थी उनको भी चयन मुक्त करने का लेटर वहां के सीडीपीओ ने जारी किया है। इस मामले को डीपीओ ने काफी गंभीर माना है। चलिए डिटेल में दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी सेविका आईसीडीएस कर्मचारी, बिहार के छपरा यानी सारण जिले की बहुत ही हास्यास्पद और अजीबोगरीब खबर है। लिखा गया नियोजन रद्द करने के लिए सीडीपीओ ने पत्र भेजा। ये सामान्य सी बात है, जब गंभीर शिकायत होती है निरीक्षण में और सुधार नहीं होता है तो उसको रद्द चयन रद्द करने के लिए सीडीपीओ डीपीओ को लिखती हैं। लेकिन लिखा गया जिले के गड़खा परियोजना के सीडीपीओ के कार्यशैली पर इन दिनों खूब चर्चा में है। आलम यह है कि सीडीपीओ अपने मनमानी रवैया तुगलकी फरमान में रविवार अवकाश के दिन भी पत्र निर्गत कर दे रही हैं। यहाँ तक कि करीब 3 साल पहले मृत हो चुकी सेविका का भी नियोजन रद्द करने का फरमान जारी किया। यानी 2021 में जिस महिला की मृत्यु हो चुकी थी, जो सेविका के तौर पर काम करती थी, उसको भी रद्द करने के लिए, नियोजन रद्द करने के लिए, चयन रद्द करने के लिए लेटर कैसे जारी हो सकता है, ये एक बड़ा लापरवाही का विषय है। इसमें गड़खा प्रखंड के कर्मियों में पदाधिकारी समेत जिला स्तर पर भी इस पत्र पर काफ़ी चर्चा है। सीडीपीओ सेविकाओं को नियोजन पत्र निर्गत करते समय देखना भूल गई कौन सेविका मृत है और कौन जीवित है। जानकारी के अनुसार गड़खा प्रखंड के सीडीपीओ ने गत 18 अगस्त 2024 के दिन रविवार पत्रांक 3 दिनांक 13 6 आंगनबाड़ी केंद्रों का नियोजन रद्द करने के लिए डीपीओ गड़खा को पत्र निर्गत करती हैं। जबकि हकीकत यह है कि प्रखंड स्तर पर कोई भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय कार्यरत नहीं होता है और न ही पद स्वीकृत है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डीपीओ का पद जिला स्तर का होता है, जिससे अपने पद की हनन में अंकित करना भूल गई। लिखा गया 3 साल पहले मृत हो चुकी सेविका समेत 6 का नियोजन रद्द करने के लिए डीपीओ को पत्र लिखा है। यहाँ पर नाम भी दिया गया है, जबकि वो सेविका 3 साल पहले जो है वो मृत हो चुकी थी। मात्र एक ही ऐसा केस देखा गया है जहाँ पर सेविका मृत थी, तो वो भी 3 साल पहले, लेकिन उसको भी नियोजन रद्द करने के लिए जो है पत्र लिख दिया गया है। अब यहाँ पर कौन सा केंद्र है और किस प्रकार, किस डेट और पत्रांक के हिसाब से लेटर जारी हुआ, यहाँ पर सारा चीज़ लिखा गया है। गड़खा के सीडीपीओ द्वारा नियोजन रद्द करने के लिए रविवार को पत्र निर्गत होने के बाद सोशल मीडिया पर पत्र के साथ साथ मृत्यु प्रमाण पत्र भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गड़खा सीडीपीओ की खूब आलोचना या फिर चर्चा हो रही है। इधर सीडीपीओ की कार्यशैली को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। तो अपने आधिकारिक जीवन में एक छोटी मोटी गलतियाँ हो जाना सामान्य सी बात होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये अजीबोगरीब मामला है। उम्मीद करूँगा कि चीज़ें सुधर गई होंगी, इससे गलती नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।